नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। 1,00,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि का लक्ष्य निर्धारित। हर जिले से 500-500 किसानों को किया जाएगा प्रशिक्षित। साथ ही सरकार देशी गाय पालकों को करेगी प्रोत्साहित। लोकसभा में उठे छोटे एवं सीमांत किसानों के मुद्दे। किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान का मुआवजा मिलने पर हुई चर्चा। हालिया बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। भारतीय कपास संघ ने कहा कोरोना वायरस का प्रभाव कपास निर्यात पर नहीं। भारतीय कपास संघ ने कहा निर्यात 42 लाख गांठ रहने का है अनुमान। मांग बढ़ने से निर्यात बना रहेगा पिछले साल के स्तर पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में दिया आश्वासन। कोरोना वायरस के संक्रमण का समुदाय में फैलने का कोई मामला नहीं। का कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं सभी जरूरी कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील। आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम ने की इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा। देशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का दिया आश्वासन। जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न करने का किया आग्रह। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए भारत इसके इलाज के लिए खुद शोध कर रहा है। वी आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO फॉर द साउथ ईस्ट एशिया रीजन and also with the director general of WHO in Geneva, and as per our information, I don't think there is any need for any apprehension about the UK suspect type of you see there are a lot of things roaming around. We are focusing on our country right now, and whatever research is needed which is being done all over the world, we are also in ICMR proceeding with all those research activities. We are in touch with all the scientists all over the world. We were the first country in the whole world. On 8th January itself, we had a technical expert group meeting in our ministry. We started working on that. And from 17th, we started all those screenings on the airport. This house that we are in touch with everything that's going on the research front about this. And we are trying to use every good information for the best use of our countrymen. प्रधानमंत्री ने गुरुवार रात को नोवेल कोरोना से जुड़े मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों पर जानकारी देने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी का सतर्क और सजग रहना बेहद जरूरी है। पीएम ने कहा कि इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए देशवासियों के संकल्प को दृढ़ करना होगा। बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से रविवार के दिन स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू का पालन करने का आह्वान किया। पीएम ने देशवासियों से आगामी 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने अपने घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है।
इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। पीएम ने देशवासियों से इस रविवार शाम 5 बजे नागरिकों से उन लोगों का आभार व्यक्त करने को कहा है जो कोरोना वायरस से निपटने में शामिल हैं। पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ का मंत्र दिया। पीएम ने देशवासियों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद आवश्यक है। इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार इस घातक वायरस को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 171 मामले सक्रिय हैं। एडवाइजरी में सरकार ने 65 साल के अधिक उम्र वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है। सरकार ने 22 मार्च से 29 मार्च तक सभी अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। No scheduled international commercial passenger aircraft shall take from any foreign airport for any airport in India after 0001 hours GMT of March 2020. Department of Personnel and Training has issued orders to reduce the contact and congestion in government offices. These include allowing Group C and D employees to attend offices on alternate weeks and staggered timings for Group A and B employees. States shall issue instructions for regulating hours in the services except for essential services. States shall issue directions to private sector to consider work from home wherever feasible. कोरोना वायरस से उत्पन्न गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी तरह के वेंटिलेटरों, सर्जिकल या एक बार प्रयोग में आने वाले मास्क और मास्क के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि सभी तरह के वेंटिलेटर, सर्जिकल या एक बार प्रयोग होने वाले मास्क, मास्क के विनिर्माण में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होने वाले कपड़े का निर्यात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा रहा है। हालांकि हाथों के दस्ताने, नेत्र उपकरण, सर्जिकल ब्लेड, धुएं या जहरीली हवा से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस मास्क और बायोप्सी पंच का निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के भदोही से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि कोरोना से बचाव में अगर पंचगव्य का धुआं किया जाए तो इससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। दुनिया कोरोना के दहशत से भयभीत है। इस तरह की कई संक्रामक बीमारियों का देश हमारा भारत और दुनिया सामना कर चुका है। चेचक, हैजा, प्लेग, टीबी।
हम किसान हैं, अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ के रखते हैं। हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति, अपना जीवन संबंध है। मैं कहना चाहता हूं, अपने अनुभव के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि पंचगव्य के हवन करने से जो धुआं निकलता है वो वातावरण के सारे विषैले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है अध्यक्ष जी, और यह वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हो चुका है। यह अंधविश्वास नहीं है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। और देश को, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में, आपके माध्यम से इस बात का संदेश जाना चाहिए कि हवन करे देश का, ये संसद भी सारे अपने क्षेत्र में हवन कराए, कोई कोरोना किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है। मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। लोकसभा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने छोटे किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में सरकार को ऐसे किसानों को राहत प्रदान करना चाहिए। निचले सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। छोटे किसान जो हैं, वो बड़े किसान जो उस खेत का मालिक हैं, उनसे पट्टे में वो खेती लेते हैं और साल भर वो मेहनत करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत कर उस खेती में काम करते हैं। लेकिन ये जो मुआवजा जो मिलता है जब नष्ट होने पर, वो उस गरीब किसानों को नहीं मिल पाता है। ये इसके लिए मुझे लगा कि जैसे मकान का मालिक जो है किराएदार के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, उसी तरह अगर बड़े किसान छोटे किसान के साथ जो पट्टे पे लेते हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट का एक प्रबंध हो जाए, तो ये जो सरकार की तरफ से जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उससे उनको फायदा मिल सकता है। जो सपना जो है हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का कि हर किसान बहुत खुशहाली का जीवन बिताए, जो सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है, तो वो सफल हो सकता है और हमारे किसान सब बहुत ही खुश हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने कहा कि पंजाब अनाज उत्पादक प्रदेश है, ऐसे में राज्य के किसानों को विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए। जब देश अनाज के अभाव से प्रभावित था तो पंजाब के किसान ने हरी क्रांति के जरिए देश को अनाज के से आत्मनिर्भर किया। लेकिन अभी एफसीआई का एक फैसला आ रहा है, एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन इंडिया, वो कह रही है कि हम 50% कमी करेंगे फसल खरीदने में। तो सर, पंजाब की जो फूड एजेंसी है, जैसे पन ग्रेन है या मार्कफेड है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। जो प्राइवेट सेलर वाले हैं वो पहले कानून से दुखी हैं, जो सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए हमें MSP दी जाए और फसलों की, ताकि हमारा पानी भी बचे और हमारा किसान भी आत्मनिर्भर हो सके। वहीं लोकसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में भूमिगत जल का गिरता स्तर चिंता का विषय है। केंद्र सरकार गिरते जल स्तर को लेकर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें भी गिरते भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए योजनाओं के तहत काम कर रही हैं। जब देश में भूगर्भ के जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, देश के कुल जल की आवश्यकता कि 65% आपूर्ति भूगर्भ के जल से होती है, और पिछले 40 साल में हमारा इरिगेशन नेटवर्क जितना कवरेज जितना बड़ा है, उसका भी 85% हिस्सा 85% हिस्सा जो है वो भूगर्भ के जल पर डिपेंडेंट है। निश्चित रूप से भूगर्भ का जल जो है देश के लगभग 20% हिस्से में गिर रहा है लगातार। उसमें कुछ हिस्से जहाँ सस्टेनेबल है, वहाँ भी 0 से लेकर 2 मीटर तक की जो है डाउनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। निश्चित रूप से चिंता का विषय, और यह समय की मांग है कि हमको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं बिहार की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं, ठीक उसी तरह से गुजरात की सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना, महाराष्ट्र की सरकार ने जो है अपने यहां पर जलयुक्त शिविर की योजना प्रारंभ की थी, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अब योजना की, आंध्र प्रदेश ने नीरू चेट्टू की, मिशन काकतीया तेलंगाना ने किया, अनेक प्रदेशों ने अनेक स्तर पर प्रयास किए। भारत सरकार जो मनरेगा के माध्यम से, लैंड वाटर शेड के माध्यम से कुछ सप्लीमेंट इन प्रयासों को राज्य सरकारों को सहयोग करने के लिए करती है। एडवाइजरी जहां तक इशू करने का सवाल है, हमने मॉडल वाटर लॉज बना करके और राज्यों को भेजा था, जिसमें से 15 राज्यों ने उसको स्वीकार किया है, 15 राज्यों ने अपने अडेप्ट भी किया है।
और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 1,00,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का माहौल तैयार करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से 500-500 किसानों को ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ये किसान अपने जिलों के छोटे और बड़े किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक कर सके। इसके अलावा जहां सरकार देशी गाय पालकों को प्रोत्साहित करेगी, वहीं किसानों की फसलों के लिए 1,000 FPO भी स्थापित करेगी। और आइए देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे करे अपनी फसलों की देखभाल। इस साल सब्जियों की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा साल 2018-19 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कुल पैदावार 1,48,09,000 टन बढ़कर 18,58,83,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में कुल उपज 18,43,94,000 टन रही थी। कुछ मुख्य सब्जियों की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल जहां आलू, प्याज और लहसुन की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी ओर टमाटर की उपज बीते साल से पीछे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार आलू की उपज की बात कही गई है। आलू की उपज में लगभग 17,17,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,30,27,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5,13,10,000 टन की हुई थी। प्याज की पैदावार भी इस साल अच्छी हो सकती है। इसकी पैदावार वर्ष 2018-19 में 2,23,000 टन बढ़ सकती है। मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार फसल सीजन 2018-19 में प्याज की पैदावार 2,34,85,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,32,62,000 टन की पैदावार हुई थी। दूसरी ओर लहसुन की उपज भी इस साल आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में लहसुन की उपज 2,83,06,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 1,22,05,000 टन अधिक है, जबकि टमाटर की पैदावार अन्य सब्जियों के मुकाबले पीछे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार इस साल टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में टमाटर की कुल पैदावार 1,93,97,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 1,97,59,000 टन रहा था। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से सब्जियों का निर्यात घटा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 15,83,887 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 24,33,17 टन का ही रहा था। और अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण की। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर प्रत्येक राज्य में एक एक मेगा फूड पार्क बनाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया कि मेगा फूड पार्क के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता अनिवार्य शर्त है, और सिक्किम एक छोटा राज्य है, यहाँ इतनी जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के शेष 7 राज्यों में एक एक मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। इस क्रम में पहले मेगा फूड पार्क की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के बांदरडुआ में जल्द ही होगी। मणिपुर में भी एक मेगा फूड पार्क की मंजूरी दी गई है, साथ ही असम और त्रिपुरा में इस दिशा में तेजी से काम जारी है। और अब देखते हैं कि इस बदलते मौसम में किसान कैसे करे सीताफल की खेती। सीताफल की बुआई के लिए ये समय एकदम अनुकूल है। इसे साल में दो बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार,
छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे एक हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे एक हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड ए उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान एक हेक्टेयर में 500 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है जिसका वजन 4.5 किलो तक हो सकता है। सीताफल की एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए कार्बरिल दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। और अब बात कपास के उत्पादन और निर्यात की। भारतीय कपास संघ ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप का कपास के निर्यात पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। संगठन को चालू सत्र में कपास का कुल निर्यात 42 लाख गांठ रहने का अनुमान है। कपास सत्र अक्टूबर माह से शुरू होता है। सीएआई के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल हमने ज़्यादा निर्यात नहीं किया था। हमने पिछले साल चीन को केवल 8 लाख गांठ कपास निर्यात किया था। इस साल हम फरवरी माह के अंत तक पहले ही 6 लाख गांठ का निर्यात कर चुके हैं। उन्होंने कहा बांग्लादेश जैसे अन्य बाजारों से मांग बढ़ने से निर्यात पिछले साल के स्तर पर बना रहेगा। हमने चालू सत्र में कुल 42 लाख गांठ के निर्यात का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि फरवरी के अंत तक बांग्लादेश को 14 लाख गांठ निर्यात की गई जबकि वियतनाम और इंडोनेशिया को 5-5 लाख गांठ कपास का निर्यात किया गया। अन्य बाजारों को 2.5 लाख गांठ का निर्यात किया गया। और अब आपको दिखाते हैं तकनीक रूप से विकसित होती कृषि क्षेत्र पर आधारित एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के एक युवा किसान मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को आधुनिक तरीके से खेती करने का तरीका सिखा रहा है। ग्रो फार्म से बड़े पैमाने पर किसान घर बैठे हाईटेक तरीकों से खेती करने के गुर सीख रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। समय की मांग हाईटेक खेती की है। जो किसान जितना आधुनिक उतना सफल। इसी हाईटेक अंदाज से खेती से जुड़े बाराबंकी के राहुल वर्मा गो फार्म कंपनी और ऐप के माध्यम से किसानों व व्यापारियों से सीधा संवाद कर रहे हैं ताकि किसानों को आधुनिक और कम लागत वाली और अधिक उत्पादन करने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी जाए। बीज से बाजार तक की सुविधाएं देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि किसानों को घर तक अपनी हम काम कर रहे हैं उनकी सुविधाएं घर तक पहुंचे और उसका लोग उसका फायदा उठा सके। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम मुहैया करवा रहे हैं जैसे अच्छे जो क्वालिटी बीज है जो हम बीज उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में कई तरह बीज हैं लेकिन उसमें जो किसान जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें। लेकिन अगर इसे हमने हमारी एक्चुअली कंसल्टेंसी है जब हमने अगर रिकमेंड किया कि इस कंपनी का बीज लगाइए अगर उनको नहीं मिलता है तो वो हमारी ऐप से हमारी वेबसाइट से या हमारे फार्म पे आके वो बीज खरीद सकते हैं। युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। ऐसे में कृषि की दशा सुधारनी है तो युवाओं को खेती की तरफ आना होगा। मौजूदा समय में युवा खेती से दूर जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि खेती करने के तरीके में बदलाव लाया जाए। कम समय में कम जमीन पर अच्छी उत्पादन के लिए हमको तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा इंटरनेट पे भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे जो किसान हैं उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी और जो बाहर सेमिनार होते हैं वहाँ पर जाके बात करना पड़ेगा। युवाओं को भी इसमें आना पड़ेगा क्योंकि युवा ही ऐसे एक उम्र होती है जिसमें वो अपने जीवन में अपने काम में बदलाव ला सकते हैं। तकनीक के माध्यम से रोग की रोकथाम से लेकर उत्पाद बिक्री तक किसानों को निशुल्क जानकारी दी जा रही है। अब किसानों को फसलों में होने वाली बीमारियों से बचाव करने वाली दवाओं टिश्यू कल्चर पौधों की आवश्यकता के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा। बस अपने मोबाइल ऐप पर क्लिक करके सारी जानकारी घर बैठे उसको मिल रही है। इतना ही नहीं आपकी तैयार फसल को
खरीदने वाले व्यापारी भी इस ऐप के जरिए आपके खेतों तक पहुंच जा रहे हैं। ये सब कुछ संभव कर दिखाया है युवा और तकनीक से लैस राहुल वर्मा ने। किसी किसान की फसल में कोई बीमारी हो जाती है तो अपनी फसल की फोटो खींचकर ऐप पर डाल देता है। थोड़ी ही देर में विशेषज्ञ फसल के बचाव के लिए किसान को जानकारी दे देते हैं। टमाटर, तरबूज, केला में कुछ जो समस्या आती है दवाइयों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि इस दवा का प्रयोग करके आप झुलसा रोग की बीमारी है या ऐंठा लग जाता है, जो है तरबूज में पिछली बार थोड़ा झुलसा और ऐंठा लग गया था, तो वो दवाइयाँ जो हमने प्रयोग की इन्होंने बताया, उन दवाइयों को डालकर हमने जो है उस हमारी फसल को जो है काफी लाभ हुआ, फसल पूरी सुरक्षित हो गई, सही हो गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब सहित सिंगापुर, दुबई, अफ्रीका, फ्रांस सहित कई विदेश के किसान व वैज्ञानिक इनके साथ जुड़ चुके हैं। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही, नमस्कार।